अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वली दाद खान और आप लोग देख रहे हैं YouTube। दोस्तों, बहुत से लोगों का ऐसा कुछ नज़रिया बनेगा, अभी तो मेरे इतने व्यूज़ नहीं आ रहे, लेकिन जो जो व्यूज़ आएंगे मेरे वीडियोस पर, तो कुछ ऐसा नज़रिया बनेगा कि मैं MCB लाइट के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूं। तो जी हां, सही नज़रिया बनेगा आप लोगों का अगर आप बाद में वीडियो देख के आ रहे हैं कि MCB लाइट के मैं सख्त खिलाफ हूँ। अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं तब ही आप MCB लाइट जो है वो अवेल करना चाहते हैं ताकि आप लोग ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकें। अब इसमें डिसएडवांटेजेस इसके जितने भी हैं आपको मैं बता देता हूं, उसके बाद आपकी मर्ज़ी है कि आप लोगों ने बनवाना है या नहीं बनवाना। सबसे पहले तो आप लोगों ने जो है वो ख्वारी करनी पड़ेगी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा, आप लोगों को ऑनलाइन सबमिशन करानी पड़ेगी फॉर्म की। इनका जो अमला है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो गैर इखलाकी तरीके का अमला है इन लोगों का, आप लोगों की रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ख़ास तौर पर अगर आप किसी देहात से हैं, आप टाउन जाते हैं और वहाँ पर आप लोग जाकर कहते हैं कि हमने MCB का लाइट कार्ड का जो है वो अकाउंट खुलवाना है, MCB लाइट अकाउंट खुलवाना है, तो आप लोग उससे जो है वो काफ़ी बदतमीजी से आप लोगों से बात की जाएगी। और अगर आप शहर में हैं तो आप लोगों को जो है वो फील हो जाएगा, अगर आप किसी दूसरे बैंक में जाएँ और MCB में जाएँ तो आप लोगों को MCB के अमले से पता लग जाएगा, उनकी हरकत से पता लग जाएगा कि पता नहीं कैसे चल रहा है इनका बैंक, एक नाम इनका बना हुआ है, बाकी इनका कुछ नहीं है, वो कहते हैं ना हवा बना हुआ है इनका, ठीक है। तो आप लोगों ने MCB लाइट का, आपको मैं बताता हूँ कि कैसे बनता है। MCB लाइट के लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है आप लोगों को पहले, उसके बाद इनकी ब्रांच पे जाना पड़ता है। ब्रांच, सारी ब्रांचेज में ये अवेलेबल नहीं होता, एक तो आप लोगों को ब्रांचेज ढूंढनी पड़ती हैं, इंटरनेट से इनकी मिल जाती है आपको लिस्ट के किस किस ब्रांच में ये अवेलेबल है, वहाँ पर आप लोगों ने जाना है, फिर आपसे सवाल जवाब किए जाएंगे और बहुत ही जो है वो मतलब अजीब से सवाल जवाब किए जाएंगे कि आप लोगों ने यूज़ क्यों करना है भाई, ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए यूज़ करना है आप लोगों ने, पता होना चाहिए आप लोगों को, आप लोगों की प्रोडक्ट है लेकिन इनको नहीं पता होता, ठीक है। फिर आप लोग कहेंगे कि भाई हमने इसको जो है वो GoDaddy पे यूज़ करना है, डोमेन खरीदनी है, तो आपसे पूछेंगे डोमेन क्या होती है, बहुत से सवाल पूछे जाएंगे। एनवायरनमेंट जो है इनका इतना अच्छा ज़्यादा अप्रिशिएटेबल नहीं है, तो आप लोगों का अकाउंट जो है ये अगर खोल भी देते हैं पहले तो आपको 2-3 घंटे वहाँ पर ब्रांच में बैठना पड़ेगा। एक ये मोबाइल अकाउंट होता है, कुछ जनरल अकाउंट नहीं होता, ये एक लाइट अकाउंट होता है, तो इसको खोलने के लिए आपको 2-3 घंटे वहाँ पर बैठना पड़ेगा। उसके बाद आपको कहा जाएगा कि आप लोगों को महीने के अंदर जो है वो कार्ड मिल जाएगा। बहुत से केसेस में आप लोगों को एक महीने बाद भी कोई रिस्पांस नहीं आता और ना ही आपके घर डायरेक्ट आता है, आपको कॉल आएगी बैंक के मैनेजर की कि आप लोग आइए आपका कार्ड आ गया, फिर वहाँ पर बैंक में आपका दोबारा आपसे सवाल जवाब किया जाएगा और बहुत लंबा प्रोसेस है। और इसके बाद आपकी जो है वो जब आप अकाउंट खुलवाते हैं तकरीबन 600 रुपये का आपको टीका भी लगा देंगे, कार्ड अभी आप लोग का अराइव हुआ नहीं होगा और उससे पहले ही 600 रुपये भी आपके कार्ड लिए जाएंगे। अब आप लोग खुश हो जाएंगे कि जनाब MCB का लाइट कार्ड हमने बनवा लिया है और 1 महीने या 2 महीने आपने ख्वारी कटी है, तो अब आप लोग जो है इसको ऑनलाइन यूज़ कर सकेंगे। जब आप ऑनलाइन यूज़ करने जाएंगे तो वो कहेगा कि आपका ऑनलाइन सेशन ही एक्टिवेट नहीं है, आप लोग कॉल करेंगे हेल्पलाइन पर इनकी और आप लोग सेशन एक्टिवेट कराएंगे। जब आप सेशन एक्टिवेट कराने लगेंगे तो आप लोगों को वो कहेंगे कि मतलब 24 घंटे के लिए हमने आपका सेशन एक्टिवेट कर दिया है। अब 24 घंटों का आपका सेशन एक्टिवेट हो गया, आप लोगों ने अंदर पैसे डाल लिए, फ़र्ज़ कीजिए आप लोगों ने एक डोमेन 1000 रुपये की बाई कर ली है, 1000 रुपये भी आप लोगों ने अपने लाइट कार्ड के अकाउंट में डलवा लिए, ऑनलाइन आप पेमेंट करते हैं, रिजेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग कहेंगे तो भाई हमारे पास तो वीज़ा का लाइट कार्ड है, कैसे हो सकता है ये, रिजेक्ट कैसे हो सकता है? फिर आप लोग दोबारा इनकी ब्रांच जाएंगे, हेल्पलाइन पे जाएंगे, तो आपको एंड में पता लगेगा कि जनाब ये आपका लेवल 0 का अकाउंट है, ठीक है। आपने इतनी जो 2 महीने की ख्वारी कटी है वो आपका लेवल 0 का अकाउंट है। ये एक आपको कह लीजिए कि वो जो इजी पैसा का यूनियन पे का एक कार्ड आता है आजकल और जैस कैश का आता है जिसपे वीज़ा लिखा होता है, तो उस तरह का ही कोई लारा है। अगर आप लोगों को वाकई पेमेंट ऑनलाइन करनी है इंटरनेशनल यूजेज के लिए, तो आप लोगों को लेवल 1 या 2 पर जो है वो शिफ्ट होना पड़ेगा। लेवल 1 या 2 पर शिफ्ट होने का मतलब ये है कि आप लोगों को इनकम का प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप लोग इनकम का प्रूफ कैसे देंगे वहाँ पर? अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपके पास इनकम का प्रूफ होता तो आप लोग तो पहले से ही जनरल अकाउंट बना लेते और आपको ये सारी MCB लाइट बनवाने की ज़रूरत ही ना पड़ती। तो मैं आप लोगों को MCB लाइट आज के ज़माने में, आज के दौर में तो आप लोगों को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। हो सकता है आगे कुछ चेंजेस आ जाएँ, कुछ फैसिलिटीज़ आ जाएँ लेवल 0 वालों को भी, ये लोग यहाँ पर मौका दे दें ऑनलाइन शॉपिंग करने का, तो हो सकता है तब मेरे नज़रियात जो हैं वो बदल जाएं, लेकिन अभी तक मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा। आप लोग मेरी जो मीज़ान बैंक वाली वीडियो है वो देख सकते हैं, इसके अलावा आप लोग मेरी UBL के विश कार्ड की वीडियो देख सकते हैं, वो दोनों कार्ड इनसे लाख दर्जे बेहतर हैं। आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा फीस देनी पड़ेगी उसमें, मगर आपके हाथ में वो कार्ड होगा और आप लोग जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग कर सकेंगे और किसी भी तरीके का जो है आप लोगों को इशू नहीं आएगा।
और सारा प्रोसेस जो है वो एक से दो दिन का होगा उसमें, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग के तमाम डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके बावजूद भी आपके कुछ क्वेश्चन हैं, क्यूरीज हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।